बेटा नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या करता है बोर्ड पे देखें प्लीज लिख लीजिएगा बाद में आराम से प्लीज सब बच्चे x विद पैरामीटर ओके केट दिस डिस्ट्रीब्यूशन डूज लिए बना है देखो प्लीज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कहा था अराइवल पैटर्न बात करेंगे आज कोई एक्सीडेंट आएगा क्लेम आएगा नहीं आएगा आज एवरेज क्लेम कितने आएंगे अरे है ना पांच एक्सीडेंट हुए कितने लोग क्लेम करते हैं ऐसी बातें कर रहे थे ना हम तो तब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे अब जब भी एक्सीडेंट होगा तो नुकसान तो होगा रुपए का कितने रुपए का नुकसान होगा लॉस की बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं आप तो अगर कभी भी किसी एक लार्ज लॉस को कैलकुलेट करना है किसी एक तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा एक्सपोनेंशियल दिखाता हूं मैं ऐसा मेरे कहने से कुछ नहीं होता समझ समझ में भी आएगी बात आपको देखो प्लीज बोर्ड पे देखो पहले सारे बच्चे फॉर्मूला वॉमुला बाद में देखेंगे सब ये एक्स है मतलब लॉस है बेटा ये जीरो से इंफिटी तक लॉस कुछ भी हो सकता है ना बेटा ये लॉस का फंक्शन है राइट तो जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है वो ऐसा ग्राफ होता है बेटा ठीक है ये ग्राफ है e की पार माइनस एक्स का किसका ग्राफ है e की पार अब एक बात बताओ यहां पर ग्राफ में देखो ये दस हजार रुपए का तक का नुकसान बहुत ज्यादा गाड़ियों में होता होगा कि नहीं होता होगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी ना इसकी फिर ऐसे बीस हजार रुपए का नुकसान उससे कम होगा कि नहीं ऐसे चालीस रुपए और कम होगा कि नहीं ऐसी वन सीआर का लॉस बहुत कम होगा ना बेटा तो लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस इन लेस क्वांटिटी बोल रहा हूं नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस इन लेस क्वांटिटी तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल इसको ऐसे ऐसे भी पढ़ा जाता है बच्चों थिन टेल ये टेल कैसी है बेटा यहां पर थिन थिन टेल और या ये बोल सकते हैं लाइटर टेल हाँ ऐसे अगर ये टेल ऐसी हो जाए तो थिक हो गए ना अरे ज्यादा एक करोड़ का नुकसान बहुत ज्यादा हो गया ना ये टेल थिन क्यों है क्योंकि एक करोड़ का कोई एक ही नुकसान आया है ये थिक क्यों है दस आ गए और भी थिक हो सकती है ना ये देखो ना एक नुकसान है मतलब मैं गाड़ी अपने चला रहा हूं वो नुकसान हो गया दस नुकसान है मतलब कोई बिल्डिंग गिर गई बुरी उसमें बहुत सारे फ्लैट थे के, के अरे है ना सो हजार आए मतलब ही आ गया तभी सो हजार एक जैसे लॉस आएंगे बड़े लॉस सुनामी आ गया मतलब बहुत सारे और लॉसेस हो गए कि नहीं हो गए बताइए तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ लॉस या लॉस साइज ऑफ लॉस बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होते जाते हैं मैं किसी एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूं तो एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं एक का इंजार कर रहा हूं वेटिंग फॉर आ कॉल एक फोन कॉल का इंजार कर रहा हूं तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनशियल इंतजार आएगा या लॉस आएगा वर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक नाम से और जाना गया है वेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन टाइम लग गया है यहां पर वर्ड किसी और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी वेटिंग लगा था क्या अरे ज्योमेट्रिक पे लगा था ना ज्योमेट्रिक में क्या कर रहे थे इंतजार कर रहे थे सक्सेस का कर रहे थे इंतजार तो जब ज्योमेट्रिक में इंतजार कर रहे थे सक्सेस का तो कॉइन टॉस हो रहे थे ना तो ट्रायल्स हो रही थी ट्रायल्स डिस्क्रीट होती है कॉन्टिन्यूस वहां पर इंतजार कर दे कब हेड आएगा कब सिक्स आएगा है ना वेटिंग कर रहे थे लेकिन उस उस उस, उस इंतजार में टाइम नहीं खर्च हो रहा क्या खर्च हो रही थी ट्रायल्स इस इंतजार में क्या खर्च हो रहा है टाइम टाइम कॉन्टिन्यूस है बेटा यहां पर अरे है समझ में आई बात तो वेटिंग फॉर वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं लैम्डा इसका पैरामीटर है तो इसका पीडीएफ क्या होता है पीडीएफ पहले देख लो पहले फॉर्मूला लैमडा e की पार माइनस लैमडा एक्स अगर लैमडा वन तो ये वाला फॉर्मूला है ना अगर लैमडा की वैल्यू वन है तो ये फॉर्मूला हुआ कि नहीं राइट बेटा हम्म ये फंक्शन होता है इसका मीन मीन होता है वन बाय लैमडा और यही स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ तो अगर वेरियंस चाहिएगा तो क्या कर दें स्क्वायर तो मतलब वन बाय लैमडा का स्क्वायर कर देना अरे है कि नहीं मीडियन मीडियन का फॉर्मूला होता है मीन टाइम्स लॉग टू मीन टाइम्स लॉग टू व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन और लैमडा वन होगा तो लॉक टू लैमडर टू होगा तो वन बाय टू लॉक टू है ना या लॉक टू बाय टू लैमडर फाइव होगा तो फाइव इट डिपेंड्स ऑन लैमडा राइट मॉड दिस फंक्शन हैज नो मॉड दिस फंक्शन हैज डज नॉट एग्जिस्ट इसका मॉड एग्जिस्ट नहीं करता है देखो दिख रहा है कहीं पे मॉड इसका नहीं ना इसका मॉड एग्जिस्ट नहीं करता है ओके सी डी एफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है सी डी एफ ही बेटा क्या फॉर्मूला होगा सी डी एफ का बताओ रेंज से स्टार्ट हो रही है फंक्शन की कहां तक जाऊं मैं फंक्शन क्या है लैमडा ई e की पार माइनस लैमडा टी डी टी कर दूँ इंटीग्रेट करूंगा तो क्या ये आएगा ई टू माइनस लैमडा टी अपॉन माइनस लैमडा आएगा क्या कट गया क्या आंसर ये आएगा लिमिट लगा के देखो आप आ गया ना सी डी एफ ये सी डी एफ प्रोबैबिटी बताएगा क्या बताएगा बेटा ये प्रोबेबिलिटी इसका ग्राफ देखो सी डी एफ का अगर सी डी एफ का ग्राफ यहीं पे ऐसे ही बना बनराफ ड्रॉ करता हूं मैं तो एक्स को जीरो करो अरे करो एक्स को जीरो वन हुआ ना वन माइनस वन और एक्स को इन्फिटी करो ई e की पार माइनस इनफिनिटी जीरो होता है ई e की पार माइनस इनफिनिटी क्या होता है तो मान लो ये सी डी एफ की प्रोबेबिलिटी है वन तो ग्राफ ऐसा बनेगा ना अरे मिनिमम पोल्टी जीरो मैक्सिमम अरे सी डी एफ कभी डिक्रीज करता है इट इज ऑलवेज नॉन डिक्रीजिंग है ना मिनिमम पोल्टी जीरो मैक्सिमम वन और कॉन्टीन्यूस भी होता है ना राइट हैंड साइड पे तो देखो ग्राफ कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है अरे मैंने उसी में बता बना दिया पर अभी दोबारा बताऊंगा पहले इतना उतारो दोबारा से स्टार्ट करेंगे फिर से हुआ कि नहीं हुआ बेटा देखिए अब आगे दोबारा से सारे बच्चे देखो प्लीज़ हम लिखते हैं एक्स फॉलोज एक्सपोनशियल विद पैरामीटर नो वी डोंट वी शुड गिव सम लैंग्वेज टू इट कहता है वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम इन अ पोस्ट ऑफिस इन अ पोस्ट ऑफिस क्यू फॉलोज एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन टॉजिक हो जाएगा विद मीन वोस्ट ऑफिस की लाइन में जो वेटिंग टाइम फॉलो कर रहा है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक्सपोनशियल विद मीन वेन मिनट सो प्लीजेल मी वॉट इज द मीन ऑफ एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज टेन सो वैमडा इज इक्वल टू Okay, can I write x follows exponential with parameter 1 by 10 or 10? Correct, then what is the PDF? It is 10 or 1 by 10? e to the power minus 1 by 10x, where x is greater than 0, right? What is the mean? 10. What is the variance? Mean ka square na beta? करेक्ट बिल्कुल सही कहा आपने हंड्रेड वट इज द मीडियन मीन टाइम्स लॉग टू भूल गए क्या बोला था मीन टाइम्स तो टेन लॉग टू आएगा ना बेटा हाउ मेनी मॉड्स दिस फंक्शन हैज डज नॉट एग्जिस्ट सी डी एफ अरे है ना, कोई भी इंतजार कर रहा है पांच मिनट तक कर रहा है तो क्या प्लग एंड प्ले मेथड लगा दें एफ एक्स फाइव लिख दू इसको वट इज एफ एक्स फाइव वन माइनस माइनस सो वॉट इज आंसर इज अरे यही आएगा बेटा ट इज द प्रोबेबिलिटी अ पर्सन इज वेटिंग फॉर मोर देन टेन मिनट एक आदमी कितनी दर्शन जाकर मोर देन तो मोर देन टेन को वन माइनस अप टू द पॉइंट टेन बोल सकते हैं सो अप टू द पॉइंट टेन को क्या बोल सकते हो एफ एक्स टेन वक्स टेन सो आंसर इज तो अगर ये एफ एक्स एक्स है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिटी अप टू द पॉइंट एक्स है ना यही बोलते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स को सर्वाइवल फंक्शन बोलते हैं ना कभी याद किया था वर्ड बताया सर्वाइवल नहीं बताया कोई बात नहीं दिल पे मत लो तो ग्रेटर देन को वन सरे लिख देते हैं ना ये डेथ की प्रोबेबिलिटी होती है सर्वाइवल की होती है ग्रेटर देन मतलब सर्वाइवल और अप टू तो पॉइंट मतलब कैसे? कैसे? तुम्हारे घर की ट्यूबलाइट दस घंटे तक चली उसके बाद क्या हो गई <laughs> तुम्हारे घर की ट्यूबलाइट दस घंटे के बाद भी चल रही है सिंपल से बात है ग्रेट देन दस घंटे के बाद भी चल रही है दस घंटे तक अरे दस घंटे तक चली मतलब उसके बाद खत्म मैं पचास साल तक जिया तो तक जिया मतलब सी हुआ ना तो डेथ की बोल्टी हुई ना उसके बाद डेथ हो गई मैं पचास साल के बाद भी जी रहा हूं तो ग्रेटर फिफ्टी हुआ ना बेटा स्टिल तो सरवाइविंग ना तो हर चीज का एक मतलब है बेटा सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी समझ में आया क्यों बोला गया मैं इंतजार कर रहा हूं अपने दोस्त का ठीक है दस मिनट से ज्यादा हो गए तो मैं अभी भी इंतजार वहीं खड़ा हूं ना मैंने दस मिनट तक इंतजार किया इसका मतलब उसके बाद चला गया अरे बोलो भाई तो सी डी एफ और एक्स में फर्क समझ में आ रहा है बेटा आपसे बोलेगा मशीन वर्क कर रही है दो मिनट तक काम किया उसके बाद बंद हो गई तो उसको मैंने सीडीएफ हुआ ना बेटा और मशीन अभी भी चल रही है उसकी पॉलिटी बताओ तो सर्वाइवल हुआ ना अरे बोलो भाई चमत्कार दिखाते हो बच्चे चमत्कार देखो इधर आओ ये ये पहले उतार लो तुम तुम्हें जान नॉलेज देने से भी डर लगता है मुझे कई बार कि बाउंसर ना चले जाए फोलोज़ f o double n o w s धीरे धीरे नॉलेज देनी है आराम आराम से चलना चाहिए नहीं हमारा एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है इन चीज़ों का मतलब आपको लगेगा दिन आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो थोड़े यही खूबसूरती है एक्चुअल साइंस कोर्स की कि इसके एप्लीकेशन बहुत अच्छा है लेकिन हमें थोड़ा पढ़ाना ही पड़ता है थ्योरी टाइप्स में भी न्यूमेरिकल टाइप्स में भी फिर एप्लीकेशन बताना पड़ता है अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें ये एक नोटेशन है एक्सलोज एक्सपोनशियल विद पैरामीटर लैमडा के फॉर्म में नोटेशन है तो आपको दोनों में कंपैरिजन दिखाना है मुझे अगर लैमडा की जगह कुछ और आएगा तो कैसे होगा फिलहाल तो लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन सी द कंपैरिजन एक्स फॉलोज एक्सपोनशियल विद मीन म्यू अब यहां म्यू आ गया ना एंड म्यू इज द नोटेशन फॉर मीन म्यू इज द नोटेशन फॉर वॉट तो इन दैट केस विल बी दूर पी डी एफ अरे बोलो भाई वट इज द मीन म्यू वॉट इज द वेरियंस वट इज द मीडियन Mu. what is the cdf? अरे यही आएगा ना what इज द सर्वाइवल फंक्शन तो एग्जामिनर आपको मीन की फॉर्म में भी दे सकता है और लैमडा की फॉर्म में भी दे सकता है समझ में आ गया बात कि नहीं अरे ऐसे बोल सकता है ना लॉसेस फोलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन टेन थाउजेंड

कुछ नहीं है यहाँ पर म्यू इज एन एवरेज वेटिंग टाइम तो आपको फॉर्मुल एग्जाम में वन बायडा और म्यू दोनों की फॉर्म में मिल सकता है आपको पहचानना होगा उसको बोला होगा एग्जामिनर ने ठीक है कंपेरिजन समझ में आ गया दोनों में लिखिए प्लीज एक्सप्रशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और नाम क्या है वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ये इंतजार करता है कितनों का कितन का इंतजार करता है किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हो अपना ऑर्डर देते हो यू आर वेटिंग फॉर अ एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो ना बेटा आप स्कूल बस आती है आपके घर के सामने तो कितनी बस स्कूल बस आती है आप घर आपके स्कूल के लिए एक अ बस वेटिंग फॉर अ बस